terrorist was here, right? Yeah, in this road. In the road? Asko darab. ये बस भाई काफी कंफर्टेबल है यार एकदम। जरा भाई मैं इस शहर के अंदर चलता हूँ जहाँ पर सारा हादसा हुआ था। तो भाई फिलहाल मैं बस स्टेशन पे खड़ा था भाई, अभी चार बम की आवाज आई भाई, मेरी हालत खराब हो गई एकदम, रोंगटे खड़े हो गए भाई मेरे। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। तो फिलहाल इस वक्त में हूँ भाई बरसावा के बस स्टेशन पे, बस ढूंढ रहा हूँ, देरी जाएगी 2:30 की है। ये बस है भाई जिसको मैं लेके जाना चाह रहा हूँ। तो आई थिंक आगे से एंट्री है। यहाँ पर भाई साहब देख सकते हो कितने लोग हैं गन लेके यहाँ पर, बट ठीक है आई थिंक इधर से ही रास्ता है। 364 ये बस है भाई, जाकर जा बस लिया जाए। तो भाई फिलहाल मैं बस में तो बैठ गया हूँ, बट यार जो बस में जो मूवीट में जो ऐप है ना भाई, सब कुछ यार एकदम हिब्रू में है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि कहाँ जाना है मुझे। ये देख रहा हूँ मैं कंफ्यूज हूँ कि कहाँ जाना है मुझे। तो आई थिंक मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई जाना किधर है। तो भाई ऐसे जाती है, तो शायद ये यहाँ पर सदरौद के पास पड़ता है। थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है इस ऐप में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हिब्रू में रखा है। और भाई इस बस में कम से कम 20 लोग तो ऐसे होंगे, या कम से कम 10 तो मान ही लो जिनके पास हथियार हैं, और बड़े बड़े हथियार हैं भाई। इतने बड़े बड़े हथियार मैंने देखे भी नहीं थे। चलो कोई नहीं, चलो चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। वैसे कहाँ जा रहा हूँ मैं, जहाँ पर भाई जो सारा कांड जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था इस युद्ध का, वहाँ पर जा रहा हूँ। तो भाई यहाँ की जो लोकल बस है ना वो काफ़ी स्टॉप करती है, जैसे कि जो सिर्फ हम लोग जा रहे हैं तकरीबन 40 मिनट की राइड है भाई, लेकिन 20 स्टॉप्स हैं। तो स्टॉप करने के लिए भाई ऊपर जो बटन है उसको दबाना पड़ता है, तो गाड़ी भाई स्टॉप हो जाती है। और भी कुछ ऐसा हिसाब किताब है भाई, एकदम काफ़ी सही दिख रहा है व्यू अगर बात करें। और भाई इसके अंदर फौजी बहुत बैठे हुए हैं, आप जिधर भी देखो भाई आपको हर तरफ फौजी नज़र आएंगे। तो ये थोड़ा अच्छा लगता है, तो सेफ्टी फील हो रहा है भाई। और किसी ने भाई मुझे अब तक वीडियो के लिए पूरे इसराइल के अंदर किसी ने अब तक मना नहीं किया मुझे, ये बात मुझे अच्छी लगी। वेल तो भाई बस लेके मैं फिलहाल आ चुका हूँ यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ से गाजा बिल्कुल पास पड़ता है, बट हम जा रहा हूँ भाई नीर एम की तरफ। ये कुछ ऐसा बस स्टेशन दिखता है भाई, छोटा सा बस स्टेशन है ऐसा। यहाँ पे अलग अलग बस आती है अलग अलग स्टेशन के लिए। और मैं जो जा रहा हूँ भाई उसके जगह का नाम है समथिंग 9। मैं आपको दिखा सकता हूँ लोकेशन में कहाँ पड़ता है भाई ये 9। ये भाई यहाँ पर उन्होंने कहा था मुझे उतर जाना है, और 379 नंबर मुझे बस लेना, जो कि 2:52 पर है। आई थिंक यहीं पर है सदरौद साउथ इंटरसेक्शन, यहीं पर कुछ ऐसा दिखता है भाई। हाँ भाई यहाँ पे बस काफ़ी स्लो है, काफ़ी सारे स्टॉपेज है बस के, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है मुझे यहाँ लगा, मतलब बस वगैरह सस्ती बहुत है भाई। जितने में आप एक कॉफ़ी पियोगे उतने में आप यहाँ पे बस टिकट ले सकते हो भाई। वेल तो भाई मैं यहाँ पे वेट कर रहा था बस का, मुझे ये लोग मिले। व्हाट्स योर नेम गाइस? आई एम इकबाल। इकबाल? इकबाल। दिस इज ताहिर एंड दिस इज अदाम। अदाम, नाइस टू मीट यू गाइस। तो इन्होंने कहा भाई कि पास में ही टेररिस्ट वाज हियर, राइट? या इन दिस रोड। इन द रोड? ओके, मैं जाके देखने चाहता हूँ कि भाई कहाँ पे है, क्योंकि मुझे लगा था कि जो भाई मैं बता रहा हूँ कि मैं गाजा के बिल्कुल पास हूँ, तो जो भी जो हमास के लोग जो आए थे यहाँ पर भी उन्होंने अटैक वगैरह किया था। तो इस पूरे एरिया में उन्होंने अटैक किया था 7 अक्टूबर को। तो ये सारी चीज़ों को मैं देखना चाह रहा था कि कैसे हुआ था, नहीं हुआ था, लोगों से इसकी स्टोरी जानूँ। तो ये लोग मुझे बताने वाले हैं कि कहाँ पर सब कुछ हुआ था। तो भाई एक तो उन्होंने कहा कि इधर हुआ है, यहाँ पे भाई इसराइल फ्लैग लगा हुआ है भाई, इसलिए यहाँ पे मिलिट्री बहुत ज़्यादा फिलहाल अभी है भाई। और एक तो भाई एक 9 जहाँ पे म्यूजिक फेस्टिवल था वहाँ पर हुआ था, तो वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ भाई। द म्यूजिक फेस्टिवल 9 Hebrew. A lot of cars. Okay. There was like in the party rave. Rave party. Yeah. Okay. And they like gone. Yeah. There's no car. So I can go there now or no? I think you can go there. I can go there. I don't think they left something there, but maybe there's a museum something like this. No. Nothing. No. No. उन्होंने कहा भाई कुछ म्यूजियम वगैरह नहीं है, बट फिर भी जाकर मैं देखना चाहता हूँ क्या हिसाब किताब था, कैसे हुआ था, नहीं हुआ था। लेकिन ये लोग तो फिलहाल एकदम काफ़ी चिल लग रहे हैं। उन्होंने कहा था टेररिस्ट यहाँ पर भी आए हुए थे,
देखिए यार आपको मैं भाई लोकेशन दिखाऊं मैं फ़िलहाल कहां पर हूं। भाई ये देखो कितने पास हो मैं गाजा के, लिटरली लाइक 2 किलोमीटर भाई एकदम। भाई यहां से गाजा जो है भाई तकरीबन 2 किलोमीटर पड़ता है। तो भाई ये सब बता रही है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है गाजा भाई, तो यहाँ पर एक्चुअली काफ़ी लाश पड़ी हुई थी और इन्होंने मुझे लाश की तस्वीरें वगैरह भी दिखाई जो आपको मैं नहीं दिखा सकता भाई। ये दिखा रही थी कि भाई किस तरह रोड पे एकदम लाश बिछी हुई थी, लोग खून वगैरह पड़ा हुआ था एकदम, तो काफ़ी सैड है इसके बारे में। लेकिन इससे पूछते हैं हाउ इज़ द सिचुएशन नाउ, सिचुएशन इज़ गुड नाउ, द सिचुएशन इज हाउ सिचुएशन नाउ हियर इज़ गुड Now, kilo? Yeah, now it's good, safe. Now it's like all got to the Shigra. It's like good now. It's good now, it's safe? Yeah, it's safe. There is like, if you can see, Khayalin. Khayalin? Soldiers. There's soldiers everywhere. There was like here, the keeper of the city. You know, the cars, they check one. Ah, they check the cars. Yeah, they check the cars. And also, there is like this, and the Sashnia. Okay, so the terrorists come all this area. Come here, come Rhine. Yes, yes, they come all the there. They come to Mary, they come to Flasim, they come to all of the zone. Done, okay. Yeah. And where was you on the day, on 7th October? You were in home? Yeah. Yes. There was like a terrorist, like a Mechablim, by zone. Terrorist near to your home, yeah? To my library, Shkuna. Shkuna, okay. Thank you very much guys for information. To daraba. तो भाई फिलहाल मैं जा रहा हूँ राइम सिटी, जहाँ पर सारा जो हिसाब किताब हुआ था वो भाई मुझे बस मिलेगी आगे से, लेकिन इन दोनों का शुक्रिया करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, तो दराबा एंड हैव अ गुड वन, बाय बाय। तो भाई चलो मैं चलता हूँ फिलहाल उस तरफ, भाई मुझे जाना है और यहाँ सामने से जाके मुझे वो जो बस स्टैंड दिख रहा है उस तरफ कहीं जाना है। यहाँ पे भाई लिख रखा है कि नो रॉकेट्स वगैरह का साइन बना हुआ है, और भाई इस तरफ जाने के लिए एक्चुअली गाजा इस तरफ पड़ता है, तो भाई इस तरफ पुलिस चेक पॉइंट वगैरह है, मेरे सामने ही दिख रही है। एक लड़की है भाई पुलिस के कपड़े में और एक बड़ी सी बंदूक लेके खड़ी हुई है। तो फिलहाल भाई मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, वो है भाई बस स्टेशन। जनरली भाई आपको यहाँ पर सिर्फ इजरायली कार देखने को मिलेगा, लेकिन भाई पहली बार मैंने एक्चुअली यहाँ पर पैलेस्टाइन कार देखी। हालाँकि काफ़ी आवाज़ आ रहा होगा भाई रोड पर, ये सारी हिसाब किताब है यहाँ पर। और भाई यहाँ से मैं ले रहा हूँ बस जो कि भाई मुझे लेके जाएगी रैम स्टडी, तो पता नहीं वहाँ पे मैं जा सकता हूँ भी नहीं जा सकता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं जा सकता हूँ जहाँ से भाई सब कुछ स्टार्ट हुआ था 7 अक्टूबर को, जो लास्ट ईयर उन्होंने जो हमास ने जो अटैक किए थे उसके बाद ही भाई गाजा के अंदर वॉर वगैरह चल रहे हैं। तो फिलहाल भाई मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से लेने वाला हूँ बस भाई। द बस 379 विल कम हियर राइट, 379 says here, it says also there 379, it says 379 barcode, it comes 252 now, because I was waiting like 10 minutes but they say 252, didn't come? Yes, yeah. Maybe late? Maybe took off, yeah. I was here, I need to stop like this? It's supposed to stop. Supposed to stop, yeah? Yes. Okay, yeah. I don't know. So now 422. Ma, no, I'm waiting for the autobus here in Sderot and then I'm going to Ofakim. Okay. Thank you. Toda Rabba. Maybe first? Toda Rabba. तो भाई बस एक्चुअली आने वाली थी बट पता नहीं बस क्यों नहीं आ रही, 5 मिनट हो गए भाई लेट है शायद बस, या अगली बस का वेट करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है अगर बस भी नहीं आई तो भाई मैं जा भी नहीं पाऊँगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है और भाई एक ही बस जाती है, ज़्यादा बस भी नहीं जाती है। तो मेरे जो सामने थी वो पुलिस एक महिला थी, उन्होंने कहा पता नहीं शायद यहाँ रुकना चाहिए बट पता नहीं क्यों नहीं रुका, या तो हो सकता है रुका ही नहीं चला गया बस। भाई मैं यहीं पर खड़ा हूँ 10 मिनट से, तो प्रॉब्ली रुकना चाहिए, हो सकता है बस लेट भी हो सकती है बट पता नहीं भाई। यहाँ पे कुछ ऐसा हिसाब किताब है भाई यहाँ पर, और ये है भाई 399, और भाई साथ में आ रही है हमारी मिलिट्री गाड़ी, काफ़ी पास हो रही है भाई 379 भाई, मैं मुझे बस लेना है। थैंक यू वेरी मच सदर आप। तो भाई फाइनली बस आ चुकी है, बस एक्चुअली 5 मिनट लेट थी
तो लेकिन बस आ गई। ये बस भाई काफ़ी कंफर्टेबल है यार एकदम, ये वाला बस ना सबसे कंफर्टेबल बस लगा है मुझे अभी तक जितना मैंने इसराइल के अंदर सफ़र किया अभी तक। और मेरे सामने भाई कुछ ऐसा नज़ारा है, तुम शायद ठीक ठाक क्वालिटी आ रही होगी, ये हिसाब किताब है भाई। मुझे लगा था कि भाई मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, बट फाइनली बस आ गई और मैं जाने वाला हूँ वहाँ पर। चलो इस जर्नी का आनंद लेते हैं और पहुंचते हैं जहां पर हमें पहुंचना है। तो भाई मैं रायम आ चुका हूं, यहीं पर सब कुछ हुआ था भाई। 7 अक्टूबर 2023 को भाई यहां पर हमास के लोग आए, यहां पे भाई हमास टेररिस्ट बोलते हैं, तो टेररिस्ट आए यहां पर आके उन्होंने गोलियां चलाई। और भाई कल जो मेरे होस्ट थे वो मुझे जो चीज़ें बता रहे थे भाई सुन के मैं दंग रह गया कि उन्होंने हमास ने क्या क्या किया था। वेल वैसे दिख रहा है भाई यहां पर ये पूरा बना हुआ है भाई, और इस भाई की मृत्यु हो गई थी 7-10-2023 मतलब 7 अक्टूबर को ये दोनों की भाई। और भाई इसके बारे में पूरा बनाया गया है, लेकिन आपको मैं ये दिखाता हूँ भाई, ये देखो भाई ये एक्चुअली अंदर है और यहाँ पे सबका नाम लिखा गया है भाई 7-9-2002 से 7-10-2023 मतलब भाई सिर्फ ये भाई साहब 21 साल के थे ये। और ये देखो भाई उनके याद में ये भाई एक रूम बनाया गया है जहाँ पर कैंडल्स एंड लोग जला रहे हैं, आप जितना देख पा रहे होंगे ज़रा देखो भाई एकदम पूरा एकदम ब्रिंग देम बैक होम। इस भाई साहब को भी किडनैप करके लेके गया गया है, तो हमास के टेररिस्ट ने भाई काफ़ी लोगों को किडनैप भी कर लिया था। ये देखो भाई हिसाब किताब है यहाँ पे, नेवर डायरेक्ट काफ़ी पोस्टर्स वगैरह बने हुए हैं भाई, कुछ बहुत कुछ हिब्रू में लिखा हुआ है, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी भाई। ब्रिंग हर्ष, मुझे भाई इंडियन बंदा लग रहा है ये हर्ष। तकरीबन भाई कहते हैं कि यहाँ पे अराउंड 2000 लोगों के आसपास की जान गई थी भाई, और जो जो मैंने बातें सुनी भाई, जो बातें मेरे होस्ट ने बताई, मैं सुन के मतलब दंग रह गया भाई एकदम पूरा ग्रेनेड वगैरह गया एकदम एक ट्रक में लोड होके भाई, देख के ही डर लग रहा है यार यहाँ पे। और मैं फील कर पा रहा हूँ उस टेंशन को, टेंशन भाई एयर में है कि यहाँ से एकदम बहुत सारी मिलिट्री गाड़ी जा रही है, अलग अलग ग्रेनेड जा रहे हैं भाई यहाँ पे, और भाई यहाँ पे इसराइल एंड नीचे यूएस का फ्लैग लगा हुआ है भाई। और भाई मेरे होश बता रहे थे कि जो हमास के जो लोग थे इनफैक्ट वो ड्रग थे, क्योंकि इतने इनह्यूमन काम भाई नॉर्मल माइंड से तो नहीं किया जा सकता वो बता रहे थे। तो भाई देखो ये लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में राइम कीबूत। जरा भाई मैं इस शहर के अंदर चलता हूँ जहाँ पर सारा हादसा हुआ था, जहाँ पर सारी वारदात हुई थी, हालांकि यहाँ आई थिंक जाने की इजाज़त नहीं है, जाकर पता करता हूँ मैं। तो भाई मैं अंदर नहीं जा सकता भाई, क्योंकि यहीं पर सब कुछ हुआ था, जो आप बैरिगेड्स वगैरह देख रहे हो मेरे सामने, इसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि सारे हादसा हुआ था भाई यहीं पर हुआ था, जो आप बेसिकली भाई यहीं पर मतलब इसी छोटे से गाँव में भाई टेररिस्ट आए थे और आके सबको मार दिया गया था। तो भाई यहाँ पर अब जा नहीं सकते आप, क्योंकि इस पूरे एरिया को काफ़ी एकदम सेफ कर रखा है उन्होंने, और हर जगह एकदम पुलिस खड़ी हुई है गन लेके, तो इसके अंदर आप नहीं जा सकते। चलो अब मैं हिचाइक करता हूँ, क्योंकि मुझे इधर जाना, क्योंकि बस तो अभी है नहीं, तो मुझे करना पड़ेगा हिचाई कभी। वेल तो भाई एक्चुअली मैं वहाँ पे खड़ा था और एक मोहतरमा आई, उन्होंने मुझे लिफ्ट दिया, मैं कहाँ जाना है मैंने, क्योंकि आप जहाँ भी छोड़ दो। अनफॉर्चुनेटली मैं उनका फेस आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि उनका जॉब है और वो यहाँ पे एक मतलब पुलिस में है, तो फेस उन्होंने दिखाने के लिए मुझे मना किया। बट काफ़ी ईजी यहाँ पर हिचाइकिंग है, काफ़ी ईजी यहाँ पर लिफ्ट लेना है। और भाई चलता हूँ फिलहाल मैं, अभी मुझे एक जगह पर छोड़ देगी और उसके बाद मैं वहाँ से देखता हूँ आगे हिचाइक करूँगा या तो फिर बस लेके चला जाऊँगा जेरूसलम तक। तो भाई उन्होंने मुझे छोड़ दिया जहाँ पे छोड़ना था, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा कि मैं वीडियो में नहीं आ सकती, बट भाई मेरी उनसे अच्छी खासी बातें हुई भाई अलग अलग चीज़ों के बारे में। और यार एक तो मैंने मुझे कभी ने कभी देखा नहीं है कि लड़कियों मतलब लड़कियों को गन थोड़ा बड़ा इंडिया में देखा है मैंने, लेकिन उतना ज़्यादा भी आप एक 10 किलो का गन आप नहीं देखते किसी लड़की के हाथ में। और इनफैक्ट लाइक यहाँ पे सुंदर सुंदर लड़कियों के पास भाई एकदम बड़े बड़े गन होते हैं, इनके पास भी गन था। और इनकी जो कहानी थी भाई थोड़ा दर्दनाक था, इसके एक फ्रेंड थी, इसके एक फ्रेंड का भाई डेथ हो गया और वो अभी फ़िलहाल गाज़ा के अंदर है। तो ये सब भाई एकदम फर्स्ट हैंड स्टोरी जब सुनता हूँ ना तो भाई एकदम रंगटे खड़े हो जाते हैं भाई कि ऐसे है नहीं है। और ये ट्रैवल करने वाली थी बेचारी, ट्रैवल नहीं कर पा रही क्योंकि अभी मिलिट्री में सर्व कर रही है और मिलिट्री ने इसको बुलाया है, तो भाई फिलहाल अभी ये सब चीज़ें कर रही है। तो भाई फिलहाल मैं बस स्टेशन पर खड़ा था भाई, अभी 4 बम की आवाज़ आई भाई, मेरी हालत ख़राब हो गई एकदम, रोंगटे खड़े हो गए भाई मेरे, क्योंकि भाई मैं गाजा से बिल्कुल 2-3 किलोमीटर दूर हूँ, ज़्यादा दूर नहीं हूँ, गाजा के बॉर्डर पे फिलहाल हूँ भाई। और बम की आवाज़ आई, बम बम बम, ओ माय गॉड, ऐसा लगा कि एकदम भाई पास में बज रहा है एकदम, हालांकि दूर होगा भाई लेकिन कम से कम 10 किलोमीटर दूर तो होगा, लेकिन ऐसा आवाज़ आ रहा है कि एकदम पास में ये बम फूट रहा है। आई होप ये हमास का मिसाइल नहीं होगा जो कि भाई इज़राइल के ऊपर गिर रहा है और आयरन डोम उसको तोड़ रहा है, बट भाई यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा। तो भाई वो लड़की बता रही थी कि भाई जिस दिन ये सब चीज़ हुआ 7 अक्टूबर को,
2023 को, वो इसमें ड्यूटी पर थी और भाई जो उसने देखा वो दंग रह गई देख के कि भाई लोगों के गले कटे हुए हैं और भाई जो गले कटे हुए थे उससे वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे, सबको भाई अच्छी तरह से मार चीर फाड़ रखा था, सिर्फ गोली नहीं मारी थी भाई काफ़ी तलवारों से भी मारा गया था। तो भाई मतलब जो बता रही थी और उसके हिसाब से एक्सप्लेन कर रही थी भाई, आई होप कि मैं उसको रिकॉर्ड कर पाता पर उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया सब, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं ड्यूटी पर हूँ इसलिए मैं आपको बता नहीं सकती, मैं मेरा फेस नहीं ले सकते या तो फिर मेरी चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जो उसके बता रही थी भाई एकदम दर्दनाक था। हालांकि भाई जो गाजा में फिलहाल हो रहा है वो भी दर्दनाक ही है भाई, 30,000 लोग मर चुके हैं गाजा के अंदर फिलहाल अभी भाई, जो कि भाई बच्चे और औरतें हैं जिसमें उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन भाई ये वार है, वार में बेकसूर लोग भी मर जाते हैं। और भाई अब यहाँ से मुझे जाना है आगे, देखता हूँ लिफ्ट मिलती है नहीं मिलती है। तो भाई बड़े बड़े एकदम मिलिट्री इक्विपमेंट जा रहे हैं भाई, क्योंकि इस तरफ ही गाजा पड़ता है। यहाँ से भाई एकदम सीधा जाओगे तब के लिए गाजा के अंदर एंट्री कर जाओगे। मुझे जाना है इस तरफ भाई, वहाँ से फिर राइट मुड़ना है एस्केलेन की तरफ, एस्केलेन और या तो फिर तेल अवीव की तरफ। तो देखता हूँ कोई लिफ्ट देता है तो लिफ्ट ट्राई करता हूँ, या तो फिर बस आएगी फिर बस ही पकड़ लूँगा मैं। कोई रोक तो नहीं रहा भाई, बट फिर भी वेट कर रहा हूँ मैं, कोई नहीं कोई लिफ्ट दे ही देगा। ये दादी देखते हैं भैया देते हैं नहीं, इन्होंने भी मना कर दिया। हालांकि जो मेरी पहली लिफ्ट थी भाई इसराइल के अंदर काफ़ी ईजी थी, एकदम काफ़ी ईजली मिल गया था मुझे। ट्राई करते रहता हूँ अगर कोई देते दे दे, वरना कोई दिक्कत नहीं। दिस साइड, दिस साइड, ओके, वी स्टॉप यू हियर, या या नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। यू गो टू दिस बस स्टॉप, यू से दैट वन, ओके, देन यू गो दिस, ओके, थैंक यू। व्हाट डू यू हैव टू डू इन अश्केलन? आई नो, आई डोंट वांट टू गो टू अश्केलन, फ्रॉम अश्केलन देन आई वांट टू गो टू जेरुसलम टुडे, या वेल। तो भाई वहां पे मैं खड़ा था और इन दोनों भाई ने हमें मुझे लिफ्ट दिया। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज इंसान। इंसान, हेलो, हेलो, एंड व्हाट इज योर नेम? एला, एला, एला। ये लोग एक्चुअली मेरे लिए अब बस खोज रहे हैं भाई वहाँ के लिए, जेरूसलम के लिए। तो लोग भाई फ्रेंडली बहुत हैं यहाँ पे, इस बात को मानना पड़ेगा। डायरेक्टली टू दिस स्टेशन, ओके, डायरेक्ट जेरूसलम? नो, नॉट स्ट्रेट टू जेरूसलम, एंड देन नो, इट इज वेरी सिक्योर टेंपल। Ah, okay. 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 Thank you, brother. Toda raba. Toda raba. Toda raba. Have a good luck. Thank you very much. Enjoy, sir. तो भाई इन कपल ने मुझे लिफ्ट दिया था भाई, मतलब यहाँ पर लिफ्ट लेना भी आसान है जितना मुझे समझ पा रहा हूँ अभी तक। लिफ्ट लेना काफ़ी आसान होता है, डिफिकल्ट भी लिफ्ट लेना नहीं है भाई। वेल भाई मुझे जाना है उधर एस्केलेन की तरफ, तो इन्होंने मुझे यहाँ पे छोड़ रखा है और सनसेट हो रहा है भाई। और इधर तकरीबन 3 किलोमीटर दूर के बाद है गाजा भाई। जरा आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं मैप में कहाँ पढ़ूँ भाई, मैं यहाँ पर हूँ फिलहाल अभी, आप देख पा रहे होंगे, और ये है भाई गाज़ा। तो अगर मैं मैप से काउंट करूँ तो भाई तकरीबन हाँ 2.5 माइल 3 माइल बता रहा है, तो मतलब हाँ 5-6 किलोमीटर दूर है यहाँ से, 5 किलोमीटर मान के चलो। तो भाई आज पूरा दिन एडवेंचर करने के बाद थोड़ी सी भूख लग गई, तो भाई भाई खाना मैं ये खा रहा हूँ भाई, अच्छा खासा बड़ा दम शोरमा मिल गया है मुझे, चिकन और कुछ फ्राइज, और भाई ये एक्स्ट्रा था। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मिल जाता है यहाँ पे। अभी ऑलरेडी भाई अंधेरा होने वाला है और भाई आज मैं निकल रहा हूँ जेरूसलम की तरफ। भाई जेरूसलम जाऊँगा उसके जाऊँगा पैलेस्टाइन के अंदर, बट आगे आने वाले वीडियोज़ का वेट करें, फिलहाल भाई खाना खाता हूँ और जेरूसलम के लिए बस पकड़ता हूँ। तो भाई यहाँ पर खाना पीना खाने के बाद अब यहाँ से निकल रहा हूँ भाई, छोटा सा कैफ़े था जहाँ पर मैंने खाना पीना खाया भाई। अब भाई मैं निकल रहा हूँ जेरूसलम की तरफ, ये छोटा सा कैफ़े था गैस स्टेशन के बिल्कुल पास ये कैफ़े। अब यहाँ से भाई 3 मिनट चलूँगा तो मुझे भाई बस मिल जाएगी। भाई मैं बस लेके ही जा रहा हूँ क्योंकि रात को ही चाहे पता नहीं कोई लिफ्ट देगा नहीं देगा, और भाई बस भी सस्ती है अराउंड 14 लोकल करेंसी 350 होगा भाई, 350 के आसपास, क्योंकि रेट जो चल रहा है भाई यहाँ का जो लोकल एक शक्ल इज इक्वल टू भाई 23 इंडियन रुपीज़ के आसपास। ये भाई गैस स्टेशन है, फिलहाल सब कुछ बंद पड़ा हुआ है भाई, ये कुछ ऐसा नज़ारा है। और मैं आया था उधर से, अब मैं जा रहा हूँ वहाँ से बस लेने के लिए, सामने से मुझे भाई मिल जाएगी बस। अगली वीडियो में आपको देखने वाला होगा जेरूसलम भाई, क्योंकि आज रात को मैं जाके सो जाऊँगा, कल सुबह सुबह आपको जेरूसलम दिखाता हूँ मैं। वेल तो गाइज मैं जेरूसलम फिलहाल आ चुका हूँ, बस लेके मैं आ गया था वहाँ से जेरूसलम खाना पीना खाने के बाद। फिलहाल भाई मैं अभी अपने हॉस्टल में हूँ, लेकिन आपको भाई ये हॉस्टल में आपको कल दिखाता हूँ सुबह कि कैसा है नहीं है और कितने पैसे वगैरह पे किए, आपको अगली वीडियो में चलेगी पता। फिलहाल के भाई मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, ये था मेरा भाई आज एक्सपीरियंस गाज़ा बॉर्डर के पास। और भाई ऑलमोस्ट जो शहर था जहाँ पर सारा मैसकेयर हुआ था
वो था मेरा एक्सपीरियंस. लोग मुझे काफ़ी अच्छे मिले और स्पेशली जो मिलिट्री वाली जो लड़की थी जो उसने मुझे बात बताई भाई, मतलब मैं सुन के हैरान हो गया, रोंगटे खड़े हो गए थे भाई, किस तरह गला काट के उस पर फुटबॉल वगैरह खेला जा रहा था एंड थिंग्स. हालांकि जो चीज़ें गाजा के अंदर हो रही है वो भी गलत है, जिससे 30,000 लोग मर चुके हैं वहाँ पे भाई फिलहाल. मतलब वॉर भाई कभी सही नहीं होता, और ये इन सब वॉर कंट्रीज में ट्रेवल करके मुझे समझ में आती है भाई कि वॉर वगैरह कभी सही नहीं होता. तो मतलब आई होप कि सर मसला सॉल्व हो जाए, आई होप इस रीजन में वापस शांति आ जाए, मैं वैसे आशा करता हूँ. फिलहाल भाई इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में. आज के लिए इतना ही, दस विदानिया. और भाई मेरा इंस्टाग्राम है नोमैड शर्मा, अगर फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना. बाय.